Hello everyone, I am Harshu Kamble. Please watch INN 24 International News Network. नमस्कार, स्वागत है आपका INN 24 पर। आपके साथ मैं हूं प्रीति सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। सुरक्षा उपाय पूरे करने के लिए ऑटो चालकों की मियाद खत्म। कोरबा यातायात पुलिस ने काटे चालान, कहा कार्रवाई रहेगी जारी। सरगुंदिया के रेलवे ट्रैक पर मिली युवक की लाश, ट्रेन से गिरकर मौत की आशंका, उर्गा पुलिस जांच में जुटी। और 10 वर्ष की मासूम से दुष्कर्म करने वाला दरिंदा पुलिस की गिरफ्त में, अकेली पाकर बालिका से किया था अनाचार, उर्गा थाने में कराई गई थी शिकायत दर्ज। जिले के मेडिकल सुविधाओं में शासन ने बड़ा इजाफा करते हुए नए वार्डों को स्वीकृति दी है। जिले का अस्पताल हालांकि ISO अस्पताल है, बावजूद लंबे समय से यहां कई आपात सुविधाओं की कमी महसूस की जा रही थी। जल्द ही इन सुविधाओं का लाभ जिले और पड़ोसी जिले से आने वाले मरीजों को मिलने की संभावना जताई जा रही है। इस संबंध में चर्चा करते हुए जिले के मुख्य स्वास्थ्य एवं चिकित्सा अधिकारी श्री सिसोदिया ने बताया कि इंदिरा गांधी जिला अस्पताल में बर्न वार्ड, फिजियोथेरेपी वार्ड और आपातकालीन चिकित्सक वार्ड की कमी से लोगों को दूसरे जिलों के अस्पतालों में रेफर करना पड़ता था। उन्होंने इन कमियों को लेकर शासन को पत्र भी लिखा था, जिस पर अब मुख्यमंत्री विकास निधि से सभी तरह के वार्डों के लिए 2,73,00,000 की स्वीकृति उन्हें प्राप्त हुई। इन वार्डों के निर्माण के लिए सांसद बंसीलाल महतो की ओर से विधिवत शिला पूजन भी करा दिया गया है। उन्होंने आशा जताई है कि आने वाले 6 महीनों के भीतर सभी निर्माण पूरे करा लिए जाएंगे। हमारे जिला अस्पताल में जो जिले की एक बहुत बड़ी समस्या थी, बर्न वार्ड का, जीरियाटिक वार्ड का, फिजियोथेरेपी का और एक हमारा जो आपातकालीन चिकित्सक वार्ड होना चाहिए था, इसके लिए 2,73,00,000 रुपया हम लोगों को मुख्यमंत्री विकास निधि से प्राप्त हुआ है। इसके तहत अस्पताल के प्रीमाइसिस में माननीय सांसद महोदय द्वारा उसका उद्घाटन किया गया है और ये 6 महीने के अंदर में बनकर तैयार हो जाएगा, ऐसा जो हाउसिंग बोर्ड का विभाग है उन्होंने आश्वासन दिया है। देखिए, अभी तो हमारे पास भवन ही नहीं था, अब भवन आ गया तो संसाधन भी आ जाएंगे, इसकी मांग की जाएगी। और जो बर्न केसेस या अन्य जो कठिन केसेस थे जो हमको रिफर करने पड़ते थे, वो अब यहीं पे इलाज हो जाएंगे। गौर करने वाली बात है कि प्रदेश के सबसे बड़े अस्पतालों में शुमार कोरबा का इंदिरा चिकित्सालय लंबे समय से संसाधनों की कमी से जूझ रहा है। मरीजों को रेफर करने के हालात में अक्सर वे दम भी तोड़ देते हैं। इस लिहाज से शासन ने जो सौगात जिले के स्वास्थ्य विभाग को दी है, वह अब लोगों के लिए काफी सुविधाजनक होगा, साथ ही रेफर करने जैसी समस्या से उन्हें छुटकारा भी मिल पाएगा। सड़क नियमों की अवहेलना और निर्देशों के पालन को लेकर बढ़ती जा रही लापरवाही पर कोरबा यातायात पुलिस ने शहर के ऑटो चालकों पर चालान की कार्रवाई की, साथ ही अपने वाहन में जरूरी सुरक्षा उपकरण लगाने के निर्देश भी ऑटो चालकों को दिए गए। सड़क हादसों में हो रही बढ़ोतरी के मद्देनजर अब कोरबा की यातायात पुलिस ने सवारी वाहनों पर कड़ाई बरतनी शुरू कर दी है। कोरबा के CACB चौक में नियमों का उल्लंघन करने वाले ऑटो चालकों पर जुर्माने की कार्रवाई की गई। इस संबंध में कोरबा के यातायात प्रभारी ने बताया कि पुलिस अधीक्षक कोरबा के निर्देश पर कुछ दिनों पूर्व शहर के सभी ऑटो वालों को उनके वाहन की दाई ओर जाली लगाने की हिदायत दी गई थी, लेकिन 15 दिनों के मोहलत के बाद भी निर्देशों को लेकर चालक उदासीन बने हुए हैं। ऐसे लापरवाह ऑटो चालकों पर जुर्माने की कार्रवाई की गई, साथ ही उन्हें जल्द ही सुरक्षा के सभी मापदंड को पूरा करने के निर्देश दिए गए। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देश पर पुलिस अधीक्षक महोदय के मार्गदर्शन में यातायात पुलिस जो है ऑटो चालकों को दाहिने साइड में जाली लगाने में निर्देशित किया गया था। पहले नहीं लगाए थे, उसमें उनको समय दिया गया था, उसमें 90-95% लगा लिए हैं। जो कुछ बाकी हैं उनको भी समझाइश दिया जा रहा है, उनसे भी लगवाया जा रहा है। इससे फ़ायदा क्या होगा सर? ये उससे वह जो है दाहिने साइड उतरने चढ़ने पे जो रहता है, उससे वह जो है दाहिने साइड न उतर पाए तो उससे वह जो है एक्सीडेंट से बचाव होगा। कार्रवाई को लेकर ऑटो वालों ने भी इस पर अपनी मिलीजुली प्रक्रिया दी है। उन्होंने बताया कि एक तरफ यह सवारियों के लिए सुरक्षा की दृष्टि से सही है, लेकिन ऑटो जैसे छोटे सवारी वाहनों में यात्रियों के लिए दिक्कतें बढ़ जाती हैं। एक सवारी के उतरने के लिए सभी को बाहर उतारने से समय की बर्बादी होती है। हालांकि वो जल्द ही पुलिस द्वारा तय किए गए मापदंड को पूरा करेंगे।
भैया ऐसे एक यातायात नियम मने कि सेफ्टी पॉइंट बनाए हवे देखर लिए लगाए दिए हैं और इधर से मतलब ये है कि कहीं गाड़ी रोका फंसते हैं तो गलत साइड से मत उतर जा ताकि ना दूसर साइड से आने वाला गाड़ी तुला मार मत दे। अभी फायदा हुआ थे? फायदा तो पहले हुआ तरी से अभी भी है काबर के नियम के धज्जी मत उड़े एक ये बहुत जरूरी है। अच्छा जो लगे हैं तो सही है? नहीं बिल्कुल सही है वो, लेकिन इससे नुकसान भी है हम लोगों को। हाँ। सवारी को उतारने चढ़ाने में दिक्कत होती है। किस तरह की दिक्कत होती है? दिक्कत ये है कि जैसे कि मान लो सवारी जो पहले से बैठा हुआ है उसको पहले उतारना, तो वो तीनों चारों सवारी को उतारने के बाद उसको उतारा जाता है, ये दिक्कत है। जो भी हो लेकिन यात्रियों की सुरक्षा के लिए पुलिस की कार्रवाई कहीं महज खानापूर्ति ही साबित ना हो, क्योंकि अधिकारियों के निर्देशों का असर कुछ ही दिनों के लिए प्रभावशील रहता है, जबकि सुरक्षा से जुड़े इस मापदंड को सतत पूरा किए जाने की आवश्यकता है। सुबह के वक्त आपके नींद से जागने से पहले समाचार पत्रों को आपके चौखट तक पहुंचाने वाले हॉकरों को अब सरकार की ओर से नई सौगात दी जा रही है। हॉकर साइकिल योजना के तहत अब उनकी सुविधा को ध्यान में रखकर उन्हें साइकिल वितरित किए जाएंगे। प्रेस क्लब कोरबा से जुड़े सदस्यों ने बताया कि प्रदेश में पहली बार हॉकरों को लेकर शासन की कोई पहल सामने आई है। हॉकरों को समाचार पत्रों के वितरण में होने वाली असुविधा को ध्यान में रखते हुए उन्हें साइकिल मुहैया कराया जाएगा। सदस्यों ने बताया कि इसके तहत सभी हॉकर और एजेंटों का फॉर्म लिया जा रहा है। अभी तक उन्हें लगभग 100 आवेदन मिल चुके हैं, जबकि 100 के करीब अभी और आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। आवेदन जमा करने की अंतिम तारीख 30 नवंबर रखी गई है। इसके बाद साइकिल वितरण की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। हमने माननीय मुख्यमंत्री महोदय के योजना जो निकले हैं उसमें अपना एक योजना है हॉकर साइकिल योजना। इस तत्व में हम आप प्रेस क्लब कोरबा में हॉकरों का और एजेंटों का साइकिल के लिए फॉर्म भर रहे हैं। अब तक के कितने आवेदन आ चुके हैं? अब तक के 100 फॉर्म आ चुके हैं और अभी 100 फॉर्म और आने का आशा है। हम लोग 30 तक आवेदन भरने का डेट जो है रखा हुआ है कोरबा प्रेस क्लब में। वितरण कब तक होने की जानकारी आई? अभी वितरण की जानकारी नहीं आई है। इसके बाद जो रूल्स है नियम है उसको फॉलो करेंगे, उसके बाद जो है बता। अखिल भारतीय मारवाड़ी युवा मंच की ओर से चलाए जा रहे कैंसर उन्मूलन कार्यक्रम के तहत कोरबा के रानी धनराज कुंवर अस्पताल में कैंसर जांच वैन के माध्यम से कैंसर की आशंका लिए पहुंचे लोगों की जांच की गई। मारवाड़ी युवा मंच का यह विशेष वाहन इस महीने के 28, 29 और 30 तारीख तक जांच के लिए मौजूद रहेगा। मंच के इस अनुकरणीय पहल में दूसरे समाज सेवा से जुड़ी संस्थाएं भी उनका भरपूर सहयोग कर रही है। माटी मंच के प्रमुख अमरनाथ अग्रवाल ने बताया कि उनकी संस्था के लोग भी यहां आकर मरीजों के उपचार के लिए उनकी सुविधाओं का जायजा ले रहे हैं। देखिए अखिल भारतीय मारवाड़ी युवा मंच द्वारा बहुत अच्छा आयोजन कोरबा की शाखा और जागृति महिला समूह द्वारा किया जा रहा है। इसमें माटी मंच की ओर से जो लोग इस सेवा का लाभ ले रहे हैं, चेकअप करा के नीचे उतरेंगे, उसे हम यादगार स्वरूप एक गुलाब का पौधा दे रहे हैं, जिससे उन्हें याद रहे कि मारवाड़ी युवा मंच के द्वारा ये कार्य किया गया था। माटी मंच के द्वारा भी स्वास्थ्य सवारी चलाया जाता है, उसके तहत कितने लोग यहाँ पर लाभान्वित हो रहे हैं? नहीं, ये तो अखिल भारतीय मारवाड़ी युवा मंच का आयोजन है। माटी मंच के 3-4 सदस्य हैं, वो सहयोग प्रदान कर रहे हैं कार्यक्रम मारवाड़ी युवा मंच का। अखिल भारतीय मारवाड़ी युवा मंच के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सुनील जैन ने बताया कि मंच का यह विशेष कैंसर जांच वैन जिले के लोगों के लिए आगामी 3 दिनों तक शहर में ही मौजूद रहेगा। मंगलवार को इस हेतु 275 लोगों ने पंजीयन कराया है। आने वाले समय में इसकी संख्या भी बढ़ेगी। कैंसर जांच एवं जागरूकता अभियान के तहत जो पूरे भारतवर्ष में हम लोग चला रहे हैं पिछले 2 वर्षों से, उसके तहत कोरबा जिले में आज हमारा कोरबा शाखा के और कोरबा जागृति शाखा के माध्यम से कैंप का आयोजन किया है। अभी तक प्रथम चरण में लगभग 270 मरीजों का पंजीयन हो चुका है और इसी तरह से यह 3 दिवसीय कैंप 28, 29, 30 दिन तक लागू रहेगा। जाँच अभी तक आज सवेरे 10 बजे से कैंप चालू हुआ था, जाँच की प्रक्रिया चालू है। लगभग 2 बजे तक ब्लड से संबंधित अगर कोई डिटेक्ट होता है कैंसर, सस्पेक्टेड कैंसर, तो 2 बजे के बाद ही उसकी जानकारी उपलब्ध होगी। आइए बढ़ते हैं क्राइम की खबरों की ओर। को
कोरबा के सरहदी रेलवे स्टेशन सरकबुंदिया के पास एक युवक की लाश मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। समाचार लिखे जाने तक युवक की शिनाख्त नहीं हो सकी है। उर्गा पुलिस ने मौके पर पहुंचकर लाश को पोस्टमार्टम के लिए रवाना कर दिया है। जांच निरीक्षक एसके राठौर ने बताया कि गांव वालों ने पुलिस को सूचना दी कि किसी युवक की लावारिश लाश सरकबुंदिया के निकट पड़ी हुई मिली है। लाश के साथ ही एक बैग भी पड़ा हुआ मिला है। उन्होंने आशंका जताई कि संभवतः युवक की मौत ट्रेन से टकराने से हुई है। बहरहाल पुलिस ने लाश को पोस्टमार्टम के लिए रवाना कर दिया है, जिसके बाद ही मौत की असल वजह सामने आ पाएगी। दूसरी तरफ पुलिस मृतक के परिजनों की पतासाजी में जुट गई है। हाँ, उसका जो है हमको लगभग 8 बजे के आसपास यहाँ स्टेशन मास्टर सरकबुंदिया से सूचना मिला कि आउटर सिग्नल के पास एक डेड बॉडी पड़ा है, किसी ट्रेन से शायद रन ओवर हुआ है करके। सूचना पर हम लोग तत्काल मौके पर पहुँचे, देखे कि एक लगभग 25 साल का अज्ञात युवक है, शिनाख्त नहीं हो पाया है और उर्गा थाने को इसकी सूचना दी गई है। उर्गा थाने से स्टाफ आने के बाद ही उसके आगे की कार्यवाही पंचनामा की कार्यवाही हो पाएगी। जिले के उपनगरीय इलाकों में दुष्कर्म के मामले रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। हवस की चाह में दरिंदे लगातार मासूमों को अपना शिकार बना रहे हैं। बलात्कार का एक सनसनीखेज मामला उर्गा थाने में दर्ज की गई है, जिसमें पास के ही गांव की एक 11 वर्षीय मासूम के साथ अनाचार का मामला सामने आया है। इस संबंध में कोरबा ASP तारकेश्वर पटेल ने बताया कि गांव के रहने वाले एक युवक ने मासूम के साथ उस वक्त दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया जब मासूम के परिजन खेत गए हुए थे। घर में बालिका को अकेली पाकर दरिंदे ने उसकी आबरू लूट ली। पीड़िता के परिजनों की शिकायत पर आरोपी युवक के खिलाफ पास्को एवं 376 के तहत अपराध दर्ज करते हुए न्यायिक रिमांड में जेल भेज दिया गया है। उर्गा थाना क्षेत्र में पास्को एक्ट का 376 का अपराध पंजीबद्ध किया गया है। इसमें पीड़िता 11-12 साल की बच्ची है, वो घर में अकेली थी, उसके माता पिता खेत गए थे काम करने के लिए, उसी बीच में अभियुक्त ने उसके साथ आके उसका दुष्कर्म किया है। पीड़िता की परिजनों की रिपोर्ट पर अपराध पंजीबद्ध किया गया है और आरोपी को गिरफ्तार करके न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया है और प्रकरण अभी विवेचना में है। प्रदेश में सरकार बनाने को लेकर आश्वस्त जनता कांग्रेस की अधिकार रैली ने अपने 28वें दिन कोरबा के वार्ड नंबर 26 और 12 का भ्रमण किया। जनता कांग्रेस के जिला अध्यक्ष राम सिंह अग्रवाल ने बताया कि जोगी जी की इस रैली को लेकर लोगों में भारी उत्साह देखा जा रहा है। उन्होंने अपने शपथ पत्र का जिक्र करते हुए बताया कि जोगी जी की पार्टी प्रदेश के लोगों को उनका अधिकार वापस दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है। जनता कांग्रेस के नेता ने इस मौके पर अपनी पार्टी के घोषणाओं पर भी विस्तार से चर्चा की। दरअसल प्रदेश की राजनीति में नई ताकत बनकर उभरी जनता कांग्रेस पूरी तरह चुनावी मूड में नजर आ रही है। इसी कड़ी में पार्टी की ओर से प्रदेश भर में अधिकार रैली का आयोजन किया जा रहा है। आज हमारा छत्तीसगढ़ अधिकार यात्रा के अंतर्गत 28वें दिन में आप प्रवेश करते हुए आज हम वार्ड क्रमांक 26 और उससे लगा हुआ वार्ड 12 नंबर वार्ड में आज पहुँचे हैं। इतना ज़्यादा उत्साह देखते हुए हर आदमी को हम माननीय जोगी जी के द्वारा दिया गया शपथ पत्र, जो कि किसी पार्टी ने आज तक शपथ पूर्वक हाई कोर्ट से जारी करवा के कभी नहीं किया। लोगों ने घोषणा पत्र जरूर दिया है जिस पे अमल नहीं होता, और हमने जो है माननीय जोगी जी के द्वारा नोटरी करवा करके बिलासपुर से हाई कोर्ट से शपथ पत्र दिया गया है, जिसमें हमने बहुत सी बातें लिखी हैं। उसमें क्या लिखा है, क्या बोला है बोल करके इस बारे में हम आपको दो शब्दों में जानकारी देंगे। उदाहरण के लिए, जैसे शहरी क्षेत्र में 650 स्क्वायर फुट का जो मकान में जो रहता है उसको टैक्स फ्री प्रॉपर्टी टैक्स उसका नहीं लगेगा, इस बात की घोषणा की गई है इसमें। आइए एक नजर डालते हैं देश की सराफा बाजार पर। आइए देखते हैं देश के चुनिंदा शहरों के मौसम के मिजाज। बुलेटिन में फिलहाल
फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए आप बने रहिए INN24 के साथ। INN24 YouTube, Facebook और Twitter पर भी देख सकते हैं। वेब चैनल के लिए लॉगिन करें www.inn24news.in। नमस्कार। Hey guys, this is Kainat Arora and you're watching INN24. नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुकेश ऋषि और आप मुझे देख रहे हैं IN24। देखते रहिए, मजा कीजिए। ऑल द बेस्ट।